पता है इस हरी मेहंदी में लाल रंग कैसे आ जाता है? कष्ट सहकर, लाल चटकता रंग चाहिए तो इन मेहंदी के पत्तों को पीसना पड़ता है, बार बार प्रहार करने होते हैं, उसके पश्चात इसे पानी में मिश्रित करना होता है, तब जाकर ये ललनाओं का श्रृंगार बनती है। स्वर्ण के साथ भी यही है, जितना तपता है उतना शुद्ध होता है। और नग तो आप सभी को भाते हैं ना, हीरा भी पहले कोयला होता है, धरा के भीतर का ताप सहकर, उसका दबाव सहकर इसके भीतर ये चमक आती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जितना आप कठिनाइयों से जूझेंगे आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कठिनाइयों की भट्टी में जितना तपेंगे आपका चरित्र उतना ही निखरेगा। तो अगली बार जब आपके समक्ष कोई समस्या आए तो घबराइए मत, उससे लड़ जाइए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। मैं अपने आप को दांव पर लगाऊंगा। नहीं ज्येष्ठ, दांव पर मैं लगूंगा। नहीं नकुल, तुम अभी छोटे हो, तो मुझे दांव पर लगा दीजिए भ्राताश्री। एक अवसर मुझे दीजिए। सही कहा था मामा श्री ने, पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई ही पिता होता है। पर मुझे तो एक पल भी ऐसा स्मरण नहीं होता जब आपने मेरा पालन ना किया हो, मुझे प्रेम ना किया हो। हर पल आपने अपना कर्तव्य निभाया है ज्येष्ठ, आज मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। नहीं अनुज, अगर कोई दांव पर लगेगा तो वो मैं। नहीं भ्राता, यदि दांव में मैं हार गया तो आप मुझे युद्ध करके छुड़वा लेंगे, परंतु यदि आप हार गए तो मैं आपको नहीं छुड़वा पाऊंगा भ्राता। मुझे दांव पर लगाइए जेश, और जीत जाइए उस इंद्रप्रस्थ को जो हम पांचों भाइयों की पहचान है। अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाऊंगा। खेलिए सम्राट, इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए नकुल को खेलिए। अब एक ओर है नकुल और दूसरी ओर दुर्योधन ने जीती हुई सारी संपत्ति। इंद्रप्रस्थ समेत। अब बात आपके मान सम्मान और संपत्ति की है, तो पहला पासा आप ही खेलेंगे।
अब देखते हैं कि मेरे दुर्योधन के भाग्य में क्या लिखा है। मामाश्री, अंतिम अवसर है। मुझे पौं बारह चाहिए मामाश्री। दुर्योधन, पासे तो भाग्य के अधीन होते हैं। अब देखते हैं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। ये पांडव नकुल तुम्हारा दास है। हाँ मामा। नहीं ज्येष्ठ, मेरे गर्व के पल को यूं अपने आंसुओं में मत बहने दीजिए। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपने भाई के मान के काम आ सका। Ha 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 ha!
कैसी सभा है ये और कैसा खेल है जिसमें एक भाई को दूसरे भाई का दास बनाकर बिठा दिया गया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यदि यहां किसी के पास है तो केवल सम्राट युधिष्ठिर के पास है अंगराज। परंतु तुम्हें उत्तर देने से महत्वपूर्ण प्रश्न उनके समक्ष ये है कि अब वो किसे दांव पर लगाएंगे। समझ गए अंगराज। कहिए सम्राट, अब आप किसे दांव पर लगाएंगे? नहीं प्रधानश्री, नहीं जेष्ठ, अब और नहीं। सोच लीजिए सम्राट, एक और दांव। यदि आप जीते तो ये हारी हुई संपत्ति सारी आपकी और आपका ये भाई दास नकुल भी। निर्णय आप पर है। सोच लीजिए। मैं दांव पे लगता हूं। नहीं नहीं सहदेव, नहीं। ज्येष्ठ, ये दाव इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए नहीं, अपने अनुज को पाने के लिए खेली। नहीं, एक उंगली अगर दास बने तो शेष सारी उंगलियां स्वतंत्र कैसे रह सकती हैं ज्येष्ठ? मुझे विश्वास है कि आप मुझे अवश्य जीत लेंगे और नकुल को भी। कैसा दुर्भाग्य जुड़ गया है हस्तिनापुर के साथ, कैसा दुर्भाग्य। अरे कुरु वंश के दो राजकुमार, उन्हीं का भाई उन्हें उनका दास बना रहा है। अरे क्या ये वही कुरु वंश है जो अपने भाई के अधिकार के लिए महामहिम अभी तक जीवित है? क्या ये वही कुरु वंश है जहां महाराज पांडु अपने राज्य अपने पुत्रों को अपने भाई के विश्वास पर छोड़कर चले गए थे? आचार्य, नियम ये है कि कोई भी इस द्यूत को रोक नहीं सकता। सम्राट नियमों से बंधे हुए हैं, महामहिम भी नियमों से बंधे हुए हैं, परंतु मैं नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारा गुरु द्रोण हूं और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इस क्षण इस खेल को बंद कर दो।
आप अपनी शिक्षा का मूल्य अपनी अपनी गुरु दक्षिणा ले चुके। वाह दुर्योधन, तुम्हारे विचार सुनकर अच्छा लगा। अब गुरु वंश में गुरु की शिक्षा मूल्य से चुकाई जाएगी। यहां उपस्थित सभी सभासद सुन ले, यदि एक चौसर इस क्षण बंद न हुई तो परशुराम शिष्य द्रोण के बाणों को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैंने कहा था ना, इन्हें यहां मत बुलाओ। क्यों बुलाया आपने? नया बन गए ना ये यहां पे बाधा। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस बाधा के उपचार को भी मैंने साथ ही में आमंत्रित किया। पिताश्री, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हस्तिनापुर की कृपा के कारण, महाराज धृतराष्ट्र की कृपा से, और वैसे भी कुमार दुर्योधन से मेरी मित्रता वर्षों से, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका पक्ष लूं और सदैव उनका पक्ष लेता रहूंगा। जब तक पांडव जीत रहे थे आप शांत बैठे रहे, और जब कुमार दुर्योधन की विजय प्रारंभ हुई तो आप तिलमिला उठे। यदि आज आपने इस सभा को त्याग दी तो आपके और मेरे पिता और पुत्र के संबंध को त्याग के जाएंगे आप यहां से। आचार्य द्रोण, अब आप इस सभा में रुके हैं अपनी इच्छा से, अर्थात अब आप इस सभा के सभासद हैं और नियम अनुसार सभा के समाप्त होने तक आप नहीं उठेंगे, अन्यथा आप दंड के पात्र होंगे। भावुक हो गया मैं। धन्य हो सम्राट, कितने भाग्यशाली हैं आप। तो सम्राट, क्या आपके भाग्य को एक अवसर देंगे? दाव पर लगाएंगे सहदेव को? माधुरी पुत्र सहदेव की। महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.